सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंस्टाग्राम ट्रिक्स के बारे में। सो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, और वीडियो के लास्ट में मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों आपको जो आपके बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है दोस्तों। अगर आप लड़की हैं तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि इंस्टाग्राम के जो ट्रिक हैं वो क्या हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं दोस्तों, और इसके साथ ही साथ वीडियो को भी एक लाइक कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए अगर आप इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन हैं दोस्तों, तो आप दूसरे बंदे को दिखाना चाहते हैं कि हम ऑनलाइन नहीं हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको कौन सी सेटिंग करनी पड़ेगी दोस्तों, तो इसी के बारे में मैं आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करूँगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि आप ये सब कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सिंपली से आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है दोस्तों। उसके बाद सिंपली से यहाँ पर हम इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस शो हो जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखिए हमारा जो यहाँ पर अकाउंट है दूसरा वाला वो किस इस तरीके का अभी शो हो रहा है दोस्तों, यानी अभी हम एक्टिव नहीं हैं दोस्तों। तो उस पर सिंपली से आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि आप किस तरीके से ऐसा कर सकते हैं। तो इस पर सिंपली से क्लिक करेंगे और सेटिंग पर आएंगे दोस्तों, और यहाँ पर लॉग आउट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लॉग आउट कर देंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए हम अपना जो दूसरा वाला अकाउंट है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं दोस्तों। तो आप अब हम आपको दिखाएंगे कि जो हमने अभी कुछ टाइम देखिए यहाँ पर जो ग्रीन डॉट है वो यहाँ पर सिंपली से शो हो रहा है, यानी हम इस अकाउंट पर अभी कुछ टाइम पहले ही एक्टिव थे दोस्तों। तो ऐसा कौन सी सेटिंग करें दोस्तों जिससे दूसरे बंदे को पता ना चले कि आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं यानी ऑनलाइन हैं कि नहीं। तो उसके लिए सिंपली से हम लोगों पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे दोस्तों और सेटिंग पर आ जाएंगे दोस्तों। सेटिंग पर आने के बाद देखिए दोस्तों आपके एक ऑप्शन मिलता है प्राइवेसी का, उस पर सिंपली से क्लिक करेंगे दोस्तों और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है एक्टिविटी स्टेटस का। इस एक्टिविटी स्टेटस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस शो हो जाता है। उसके बाद शो एक्टिविटी स्टेटस को हम इस यहाँ से डिसेबल कर देंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब हम आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पर आप शो होगा दोस्तों। यहाँ पर सिंपली से क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आएंगे सेटिंग पर जाएंगे दोस्तों और यहाँ पर लॉग आउट कर देंगे दोस्तों। अब आप देखिए दोस्तों हम दूसरे अकाउंट से यहाँ से लॉग इन हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर सिंपली से क्लिक करेंगे दोस्तों और अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा अकाउंट है देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंपली से यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है दोस्तों, यानी अभी हम ऑनलाइन थे लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से आप सेटिंग करके देख सकते हैं दोस्तों कि किसी यानी ऑनलाइन रहते हुए भी आप ऑफलाइन शो होंगे दोस्तों। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन रहते हुए भी आप ऑफलाइन कैसे दिख सकते हैं दोस्तों। सो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें दोस्तों। इसके साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरीके के जेन्युइन कॉन्टेंट मिलते रहते हैं दोस्तों। और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो जरूर करना है दोस्तों, क्योंकि मैं वहाँ पर भी काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। इंस्टा का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर सिंपली से चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। और आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई देने की 100% कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, अपना ख्याल रखना दोस्तों।